नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे के निर्देशन में अयोध्या सरयू किनारे में एक कलश भर सरयू जल धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के पैतृक निवास सिफई ले जाया गया, जिसे नेता के समाधि स्थल सिफई में सरयू जल से अभिषेक किया जाएगा। जल को ले जाने से पूर्व इसका विधिवत पूजन भी किया गया। इस मौके पर सपा कार्यकर्ता पार्षद, पूर्व पार्षद सहित सपा समर्थक नेताजी को याद करके उनकी आने वाली पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धा व्यक्त करते हुए नजर आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंचे, यहां राजा राव रामबक्स की प्रतिमा का अनावरण किया, कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डोंडिया खेड़ा में राजा राव रामबक्स की मूर्ति लगी है, भारत माता के सपूत को मेरा नमन। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी है। उन्नाव की धरती वीरों की धरती है, भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। झांसी में जिलाधिकारी ने गुलारा ग्राम समूह पेयजल परियोजना का निरीक्षण किया, साथ ही CWUR में गंदगी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए। DM ने कहा कि पूर्ण क्षमता से परियोजना चालू करें ताकि जलापूर्ति के दौरान लीकेज की जानकारी मिल सके, उन्हें ठीक कराया जा सके। रनगुआ पेयजल योजना में यदि पेयजल पूर्ति चालू नहीं होती है तो संबंधित ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करते हुए कार्यवाही की जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। योजना के अंतर्गत सभी घरों में जल संयोजन के माध्यम से पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें। जल निगम द्वारा विकसित की जा रही जल जीवन में मिशन के अंतर्गत गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना का निरीक्षण किया है। इसमें लगभग 42 गांवों को पानी की सप्लाई यहाँ से की जाती है। ये अभी अंडर ट्रायल फेज़ में है। इसमें बझेरा में जो हमारा जो मेन प्लांट है जहाँ पे पानी आता है उसका निरीक्षण, और बझेरा जहाँ पे टंकी निर्माण करी गई है वहाँ का निरीक्षण किया, और तीसरा जो मिनोरा ग्राम पंचायत है। वहीं हरदोई में सौतेले पिता के द्वारा बेटी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और बालिका का डॉक्टरी परीक्षण भी करवाया है। जिस लड़की से दुष्कर्म हुआ है वो आरोपी की दूसरी पत्नी की बेटी है। पुलिस पूरे मामले पर कार्रवाई में जुट गई है। मामला बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला का कहना है कि उसका पति सब्जी बेचने का धंधा करता है और 7 अक्टूबर को उसकी बेटी अपने पिता के साथ सब्जी बेचने बाजार गई थी। आरोप है कि रात 8 बजे वापस आते समय उसके पिता ने सुखेता पुलिया के पास बेटी से दुष्कर्म किया और उसको धमकी भी दी। महिला का आरोप है कि डर की वजह से बेटी ने इस घटना के विषय में कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन हिम्मत करके उसने पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई। मामले की जानकारी पर महिला पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक 12 वर्षीय बालिका के साथ उसी के सौतेले पिता द्वारा बलात्कार की घटना प्रकाश में आई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। वहीं बस्ती में सदर ब्लॉक में 80-20 के खेल में जमकर हाथापाई हुई। सेक्रेटरी आनंद ने ब्लॉक प्रमुख पर हाथापाई का आरोप लगाया है। प्रमुख ने सेक्रेटरी पर 80 और प्रधान पर 20% खाने का आरोप लगाया है। सेक्रेटरी ने प्रमुख से कहा कि कमीशन खाने के सबूत दे, साथ ही कहा कि प्रमुख ने जितने काम करवाए उसकी गुणवत्ता क्या है। सितारगंज BSNL कार्यालय में लगे आधार कार्ड सेंटर पर 2 जरूरतमंदों से बायोमेट्रिक करवाने पर 400 रुपये वसूलने का आरोप है, जिसकी शिकायत सभासद रवि रस्तोगी ने प्रभारी तहसीलदार से की। उन्होंने सेंटर पर पहुंचकर मामले की जांच की, जिसके बाद सेंटर संचालक ने शिकायतकर्ता को पैसे वापस कर दिए। किच्छा रोड के दूर संचार विभाग कार्यालय में संचालित आधार कार्ड सेंटर पर 2 बायोमेट्रिक करवाने पहुंचे
वार्ड 2 निवासी हसन मलिक पुत्र हारून और वसीम पुत्र वसीम सलीम का आरोप है कि उसने संचालक को 200 रुपए की डिमांड के साथ 400 रुपए दिए। मुझे जो है सूचना करी गई कि जो BSNL एक्सचेंज में आधार कार्ड सेंटर संचालित हो रहा है, वहां पर जो है आधार कार्ड अपडेट करने के या बायोमेट्रिक करने के अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। जिस पर मैं वहां पहुंचा और जब मैंने लोगों द्वारा पूछा तो वाकई में कई लोगों से जो है 100 रुपये 50 रुपये की जगह 200 रुपये वसूले जा रहे थे, जिसकी सूचना मैंने SDM महोदय को दी। SDM महोदय के आदेश पर वहां पर तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी जी पहुंचे और उन्होंने पाया कि वाकई में कुछ लोगों से जो है आधार कार्ड सेंटर जो संचालक है उसने पैसे अधिक वसूले थे, इसको लेकर उन्होंने जिन लोगों से पैसे अधिक लिए थे उनको वापस कराए। वहीं बिजनौर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में यातायात CO कृष्ण मुरारी दोहरे के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने शासन के निर्देशन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने जाजी से लेकर नुमाइश चौक तक यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से सड़क के दोनों ओर व्यापारियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया। पुलिस की टीम ने जजी चौक से लेकर नुमाइश चौक तक सड़क के दोनों ओर व्यापारियों द्वारा नाले के बाहर काफी दूर तक अतिक्रमण कर रखा है। कुछ व्यापारियों ने होर्डिंग और अन्य काफी सामान सड़क पर लगा रखा है, जिसे ट्रैफिक व्यवस्था में काफी दिक्कत हो रही है। टीम ने दुकान के बाहर रखा सारा सामान और होर्डिंग को हटवाया। पुलिस टीम ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो नाले के बाहर अतिक्रमण न करें, वरना इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में CO ट्रैफिक कृष्ण मुरारी दोहरे का कहना है कि शासन के निर्देशन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। शासन का निर्देश है कि नाले के बाहर कोई अतिक्रमण न किया जाए। आज पुलिस टीम ने नाले के बाहर व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया है। शासन की मंशा है और इसका आदेश भी है, उसका पालन करने के लिए सब चलाया जा रहा है। नियम यह है कि नाले के अंदर ही दुकानदार अपना सामान रखेंगे, ताकि ग्राहक आएंगे नाले के बाहर अपना खड़ा होके और रोड पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अपना आराम से सामान खरीदे और चले जाए। अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया, अतिक्रमण का अभियान चल रहा है, ये हटवाया जा रहा है और पूरे शहर में अतिक्रमण हटवाने का प्रोग्राम है। वहीं प्रयागराज RPF की एक बड़ी सफलता रेलवे कोच में लगने वाले तांबे की तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लगभग चोरी के तारों को बरामद किया है। प्रयागराज के RPF की क्राइम प्रिवेंशन एवं डिटेक्शन टीम द्वारा लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं पर रोक लगाते हुए गिरोह के 3 सदस्यों और तार खरीदने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से 1.5 लाख रुपये के तार बरामद किए गए हैं। इस विषय पर जानकारी देते हुए RPF के इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह ने बताया कि मोहम्मद वैश, जो कि निरंजन थाना कोतवाली प्रयागराज का रहने वाला है, गिरोह का सरगना है और उनके साथ अब्दुल वारिश, अमीनाबाद लखनऊ के रहने वाला दीनदयाल अंसारी, प्रयागराज अटाला का रहने वाला है। रात को यार्ड में खड़ी हुई कोच के तांबे के तार चोरी कर लिया करते थे ये सारे। इन तारों से पूरे कोच में बिजली सप्लाई और AC चलाने में मदद की जाती है। इसके बाद RPF की क्राइम प्रिवेंशन एवं डिटेक्शन टीम द्वारा CCTV फुटेज और सर्विलांस के आधार पर चोरी करते हुए इस गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर चौक के ठेठरी बाजार स्थित राकेश कुमार के घर से चोरी के तारों को बरामद भी किया गया है। प्रयागराज यार्ड में खड़े कोचे के अंडर फ्रेम की कॉपर वायर की चोरी करते थे। वो कॉपर वायर बिजली सप्लाई के लिए कोच में बिजली सप्लाई और AC को चलाने के लिए लगाया रहता था, जिसको ये सब चोरों द्वारा काट करके जला करके और रिसीवर को बेच दिया जाता था। वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे को सोमवार को बाल सर्वेक्षण गृह से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाल कल्याण समिति ने अहजम को रिहा करने का आदेश जारी किया है। देर शाम अहजम और उसके छोटे भाई को उनकी बुआ शाहीन परवीन को सुपुर्द कर दिया गया। रिहाई की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर बाल कल्याण समिति ने यह निर्णय लिया है। इसी साल अहजम 4 अक्टूबर को 18 साल का हो चुका है। ऐसे में नियमानुसार उसे बाल सर्वेक्षण गृह से
में नहीं रखा जा सकता। बता दें कि उसकी बुआ शाहीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दोनों बच्चों को उन्हें सौंपने की मांग की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाल कल्याण समिति को विचार कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होनी है। सोमवार को देर शाम उन्हें बाल संरक्षण गृह से रिहा करते हुए उसकी बुआ को सुपुर्द कर दिया गया। उमेश पाल की हत्याकांड के बाद पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे को चकिया इलाके से बरामद किया था। दोनों की उम्र 18 से कम होने के कारण उन्हें कोर्ट के आदेश पर बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ताज महल को देखने पहुंची। ताज परिसर में करिश्मा कपूर का करिश्मा दिखा। ताजमहल पहुंची अभिनेत्री करिश्मा कपूर को देखने के लिए उनके फैंस की भीड़ उमड़ गई। करिश्मा की झलक पाने के लिए बीच में भगदड़ भी मच गई। लखीमपुर में नाबालिग छात्रा के साथ हैवानियत की गई है। दरिंदों ने छात्रा की आंख भी फोड़ दी। गन्ने के खेत में अनग्न अवस्था में नाबालिग छात्रा का शव मिला है। छात्रा का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बीते दिनों मदरसे में छात्रा पढ़ने गई थी। मदरसे से वापस आते समय रास्ते से लापता छात्रा हो गई थी। पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों ने कल ही पुलिस को मामले की सूचना दी थी। सूचना देने के बाद भी पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की थी। तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र में गन्ने के खेत में छात्रा का शव मिला है। सिंगाही थाना क्षेत्र में छात्रा सिंगाही थाना क्षेत्र की रहने वाली है। देखिए, कल एक छात्रा जो इसकी उम्र 13 वर्ष बताई गई है और उसका कल से लापता होने की सूचना थी। थाने में तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए कुर्सी दर्ज की गई और टीम लगा के इसको खोजा भी गया और इसमें जो गाँव वाले हैं परिवार वाले भी लगातार सर्च कर रहे थे। आज उसकी जो डेथ बॉडी आपको गन्ने खेत के अंदर मिली है और इसमें जो हमारी टीम गई है, जैसे पुलिस की टीम हो गई या प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो शुरुआती जो परीक्षण किया गया तो सब में कुछ चोटों के निशान आए हैं, देखे हैं। अमेठी में किसान नेता रीता सिंह का गौरीगंज पावर हाउस पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। करीब 2 दर्जन लोगों के साथ किसान नेता ने प्रदर्शन किया और साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। नेता का आरोप है कि बार बार विद्युत कटौती के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को हो सकता है कि बड़ा प्रदर्शन किया जाए, जिसके खिलाफ नेता ने कल से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रायबरेली में पारिवारिक विवाद के चलते जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जहां बेखौफ हमलावरों ने 2 सगे भाइयों पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला किया। दबंगों के हमले में एक भाई की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे कुम्हारन के पूर्वा गाँव का है, जहाँ पारिवारिक विवाद के चलते शुरू हुई मामली कहा सुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। देखते ही देखते राम कुबेर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 सगे भाइयों लालता पुत्र गोविंद जिसकी उम्र 48 है और मतई जिसकी उम्र 38 है घर में घुसकर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। दबंगों के हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों भाइयों को इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रायबरेली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां लालता प्रसाद के अस्पताल पहुंचने से पहले ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं दूसरे भाई मतई गंभीर हालत में बना हुआ है। आज प्रातः 10:30 बजे के आसपास PRV को एक इवेंट मिला कि कुम्हारन कपूरवा में भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर PRV मौके पर पहुंची तो वहां पर 2 मजरूर थे, जिनको PRV द्वारा तत्काल CHC नसीराबाद लाया गया, नसीराबाद से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जिसमें कि जो एक बीच वाले भाई हैं उनकी मृत्यु हो गई है। अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उनके अनुसार आज घटना का तात्कालिक कारण 3 भाइयों में से जो बड़ा भाई है रामगोपाल, उसकी पत्नी और बीच वाले भाई के बीच में किसी
बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। सुल्तानपुर के बहुचर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले करीब 16 दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। दरअसल बीते 23 सितंबर को लंबुआ के सुखौले गांव में रहने वाले डॉक्टर घनश्याम तिवारी नगर के नारायणपुर गांव में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। रंगदारी वसूलने के चक्कर में हुई इस हत्या का आरोप अजय सिंह सहित उनके करीबियों पर लगा था। इस मामले में पुलिस ने अजय नारायण के पिता जगदीश नारायण और चचेरे भाई विजय नारायण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस ने अजय नारायण पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। साथ ही न्यायालय के आदेश पर 82 की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। बहरहाल सोशल मीडिया के जरिए थोड़ी देर पहले पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बयान जारी कर अजय नारायण और ड्राइवर दीपक सिंह की गिरफ्तारी की सूचना दी है। थाना कोतवाली अंतर्गत डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के मूल अभियुक्त अजय नारायण सिंह तथा उसके सहयोगी ड्राइवर दीपक सिंह दोनों को आज पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। वहीं पीलीभीत में सड़क हादसे में 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र गांव सफेरा में GDS के इंटर कॉलेज में कक्षा 11 के छात्र थे। परिवार के मुताबिक छात्र प्रशांत गंगवार और सगुन कश्यप ट्रैक्टर ट्रॉली से यूकलिप्टस के पेड़ लेकर आ रहे थे। आरोप है कि तभी खनका चौकी के सामने पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को हाथ दिया। इसी बीच दोनों छात्रों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को दौड़ाना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक खाई में पलट गई, जिससे ट्रैक्टर पर सवार प्रशांत और सगुन मौके पर ही जिनकी मौत हो गई। दोनों छात्रों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा काटा। परिवार वालों के रोष को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। मौके पर पुलिस के आला अफसर पहुंच गए। इसके बाद निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देते हुए दोनों छात्रों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना बीसरपुर क्षेत्र का मामला है। खनंका चौकी के पास सगुन और प्रशांत दो युवक ग्राम सपोरा के निवासी थाना बीसरपुर ट्रैक्टर ट्राली से 15-20 बल्लियां लादकर शाहजहांपुर तरफ से बीसरपुर तरफ आ रहे थे। आज शाम को ट्रैक्टर ट्राली खनका चौकी के पास पलट गई, जिसमें दोनों युवक दब गए और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा पहुंच करके पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। आगरा में चंबल नदी किनारे मिले अज्ञात नर कंकाल युवक की पहचान हो चुकी है। युवक के शव की लालता प्रसाद निवासी होरचंद थाना निघौली कला एटा के रूप में शिनाख्त हुई है। एटा का टैक्सी चालक था पिनहाट में, जिसका शव मिला था। युवक को गोली मारी गई थी। 2 सप्ताह पहले बा क्षेत्र में युवक की लाश क्षतिग्रस्त तरीके से मिली थी। फरीदाबाद से मोरना के लिए भाड़े पर युवक ने टैक्सी बुक किया था। पुलिस ने टैक्सी को बरामद कर लिया था। परिजनों ने युवक की FIR दर्ज करवाई थी। टैक्सी चालक की अज्ञात द्वारा दी गई हत्या के मामले में पुलिस जांच में जुटी थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।